गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने किसके बारे में किया था, याद है आपको? क्षेत्रफल के बारे में। तो आज हमें कुछ और आकृतियां दी गई हैं, हमें उनके क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहली आकृति ए से। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये एक सेंटीमीटर ग्रिड है, तो जो पहली आकृति है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तीन एकम तीन, तीन दुनी छः, तीन दुनी छः वर्ग सेंटीमीटर। इसकी लंबाई है तीन सेंटीमीटर, देख सकते हैं आप, एक दो तीन, और इसकी चौड़ाई है दो सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा आकृति बी, इसकी लंबाई, इसका क्षेत्रफल चार, चार दुनिया आठ, चार तीय बारह, चार चौक सोलह, चार चौक सोलह वर्ग सेंटीमीटर हुआ इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अब इसकी लंबाई है एक दो तीन चार, चार सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई भी है चार सेंटीमीटर। ये एक वर्ग है, इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल हुआ सोलह वर्ग सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ही केसेस में तीन गुना दो, जो इसकी लंबाई और चौड़ाई, इनकी क्या हो गई, गुना हो गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये एक आयत था, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना? देखिए लंबाई और चौड़ाई की गुणा हो गई। इसी तरह वर्ग में चार चार, ये क्या है, इसकी भुजा है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, भुजा होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। चार गुना चार सोलह वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी तरह आकृति सी में देखिए, इसकी लंबाई दो सेंटीमीटर और चौड़ाई तीन सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना हुआ, दो सेंटीमीटर गुना तीन सेंटीमीटर, छह वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम सीख चुके हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। इस ये एक एक तो हम ग्रिड पे खाने गिने और एक हम लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप सभी को समझ में? तो बच्चों अब हमने एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल सीख लिया है, अब हम ज्ञात करेंगे कुछ और आकृतियों का क्षेत्रफल, जैसे कि किसी के पैर की छाप या हाथ की छाप का। यहाँ पर हमें बुक का पेज नंबर 38 है, मुर्गी के पाँव की छाप और एक कुत्ते के पाँव की छाप दी गई है। हमें इनका क्षेत्रफल का अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि ये सीधे सीधे तो है नहीं, तो एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकेंगे, हमें सिर्फ अंदाजन बताना है कि ये लगभग कितना होगा। तो देखते हैं पहले मुर्गी के पैर का, देखिए ये और ये और ये, इनको मिला दें तो लगभग एक वर्ग हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना, ये वाला भाग, ये वाला और ये वाला, तो एक ही हो गया। और एक इसको 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 और इसको मिला के, तो लगभग इसका क्षेत्रफल हुआ दो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह अब हमें कुत्ते के पाँव का अंदाजा लगाना है, एग्जैक्ट नहीं बताना, अंदाजन, किसी का दो भी हो सकता है, कोई बच्चा तीन भी बताएगा, दोनों ही करेक्ट होंगे, अंदाजन बताना है ये। अब जैसे कुत्ते के पाँव का है, ये देखिए ये वाला बॉक्स पूरा है, ये वाला भी लगभग पूरा है दो, ये भी लगभग पूरा है तीन,
तो जो जो थोड़ा थोड़ा कम है ये इसमें से आ जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे, और ये हो गया 4, इसका ये हो जाएगा, तो 4 ये हो गया। अब ये जितना थोड़ा थोड़ा इनमें कम है यहां से लेते जाएंगे, तो 5, 6, 7, 8, लगभग 8 वर्ग सेंटीमीटर हो गया कुत्ते के पैर का क्षेत्रफल। इसी तरह से हमें हाथी के पाँव का भी निकालना है, तो इससे पहले हम अपने हाथ का करते हैं। ग्रिड आपकी बुक में भी दिए गए हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पेज नंबर 37 पर भी है, ये देखिए खाली ग्रिड है, इस पे आप अपना हाथ बना के उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मैंने ये ग्रिड बनाया है, मैं इस पे अपना, ये देखिए बना लिया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए मैं पहले क्या करूंगी, जो बड़े से बड़ा आयत या वर्ग जो भी मुझे मिल सकता है पहले वो ढूंढ लेंगे, क्योंकि फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें आता है ना। तो पहले मैंने यहां से लेके ये और ये एक बड़ा सा आयत मुझे अपने हाथ में मिल गया, देख पा रहे हैं। अब इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, इसकी लंबाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 सेंटीमीटर। तो ये तो वर्ग हो गया, एक वर्ग मिला है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 49 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो बाकी का हिस्सा बच गया, उसमें जो छोटे छोटे वर्ग हैं हम उन सबको गिन लेंगे, तो मैं गिनती भी जाऊंगी और उसमें थोड़ा सा हम कलर भी कर देंगे ताकि आसानी से गिना जा सके। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो भी हमें गिनना है, 9, 43 हो गए। ये वर्ग जो पूरे हाथ के अंदर छोटे छोटे वर्ग मैंने गिने हैं ये हो गए 43, तो 49 प्लस 43। अब ये बहुत से आधे से ज्यादा वाले भी आ गए, उनको भी गिन लेंगे हम, ठीक है। आधे से ज्यादा थे उन सबको भी मैंने गिन लिया, तो अब हो गए ये 22 और। तो अब ये हो गया मेरे, जो आधे से कम है हम उनको छोड़ देंगे, क्योंकि जो आधे से ज्यादा थे उनको पूरा करने में वो चले जाएंगे, है ना। तो हो गया मेरे हाथ का 9, 3, 12 और 2, 14, 1, 10 और 1, 11, 114 वर्ग सेंटीमीटर हुआ मेरे हाथ का क्षेत्रफल। इसी तरह से आप सभी भी अपने हाथ का या पाँव का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहले उसमें बड़ा सा आयत या वर्ग जो भी मिले वो ढूंढ लो, उसका क्षेत्रफल हम निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई, और फिर जो छोटे छोटे वर्ग जितने भी बच गए थे मैंने उनको गिन लिया, क्योंकि हर वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो जोड़कर ये सभी हो गए 114 वर्ग सेंटीमीटर हुआ मेरे हाथ का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। इसी तरह आपको करना है, हाथी का पांव दिया गया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पेज नंबर 39 पर। ये सभी आप इसमें देखिए, इस तरह से जो बड़ा सा आयत या वर्ग आपको जो भी मिले उसको ढूंढ लें और उसका क्षेत्रफल, और फिर जो छोटे छोटे बच जाएंगे उनका क्षेत्रफल अलग से, जो वर्ग बच गए उनको गिन लेंगे हम, ठीक है। इसी तरह इस हिस्से में भी आपको करना है। यदि हम
अब हम देखेंगे कि अगर हम किसी आयत को इस तरह से इसके दो कोनों को मिलाकर दो त्रिभुजों में बांट देते हैं तो क्या उन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा या अलग-अलग होगा। तो इसके लिए हम इसके दोनों कोनों को मिला लेंगे मिला लिया है और अब हम इनको इस रेखा पर इसको हम काट लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये जो दो इसके हिस्से बने इन दोनों का क्षेत्रफल समान है क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे को अच्छे से ढक लिया है। तो जब हम किसी आयत को इस तरह से दो हिस्सों में बांटेंगे तो इन दोनों हिस्सों का क्षेत्रफल समान होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है बच्चों, अब आप सभी सीख चुके हैं कि जब किसी आयत के बीचों बीच इस तरह से भी रेखा खींचकर उसे दो भागों में बांटा जाता है तो इन दो भागों का क्षेत्रफल समान होता है, दोनों का समान मतलब आयत का आधा होता है इनका। तो ये दो समान आकार के दो आयताकार ग्रिड हैं, एक ये ग्रिड है और एक ये ग्रिड है, दोनों का आकार समान है। देखिए इसकी लंबाई भी 6 इकाई है और इसकी चौड़ाई 4 इकाई है। इसकी लंबाई 6 इकाई और चौड़ाई 4 इकाई है। दोनों ग्रिड का आकार समान है। अब हमें पता करना है कि क्या इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है या अलग है और कितना है। तो पहले हम त्रिभुज A के लिए देखते हैं, जो ये आयताकार ग्रिड है इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई 6 गुणा 4 24 वर्ग इकाई। हमारा जो ये ग्रिड है ये सेंटीमीटर में नहीं बना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इकाई लिखा है, जिस भी इकाई में मैंने इसे बनाया है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज A, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अभी हमने किया ना, इस आयत का आधा। तो इस त्रिभुज A का क्षेत्रफल हुआ बारह वर्ग इकाई। अब त्रिभुज B का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब ये ना तो इस पूरे आयत को दो समान भागों में बांटता हुई एक रेखा से बना हुआ है तो कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है ये दो त्रिभुजों से मिलके बना है। ये वाला त्रिभुज इस आयत का आधा करके बनाया गया है और ये वाला त्रिभुज इस आयत को आधा करके बनाया गया है। तो जो ये आयत है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 4 इकाई। तो इसका क्षेत्रफल हुआ 12 वर्ग इकाई। इस भाग का क्षेत्रफल हो गया 12 वर्ग इकाई और इसी तरह से इस भाग का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 4 इकाई। तो क्षेत्रफल कितना हुआ, 3 चौक 12 वर्ग इकाई। दोनों भागों का क्षेत्रफल 12 12 आया। अब ये जो त्रिभुज है
ये कैसे बना है? इसके आधे में, तो इसका हो गया बताइए 6 वर्ग इकाई। इसी तरह से इस भाग की में जो ये त्रिभुज है ये इसके आधे में बना है, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 6 वर्ग इकाई। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 12 वर्ग इकाई। दोनों ही त्रिभुजों का, बी का भी 12 वर्ग इकाई और ए का भी 12 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आया। इस तरह से किसी भी ग्रिड में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे आप सभी को समझ में, ए का भी निकाल लिया हमने, बी का भी, तो इसे हम एक बात और भी समझ सकते हैं कि जब समान आकार के ग्रिड पर समान ऊंचाई और समान आधार वाली दो त्रिभुज बनेंगी तो दोनों का क्षेत्रफल कैसा हुआ? बराबर। ठीक है, तो बच्चों अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब हम करेंगे अपनी बुक का पेज नंबर 40। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, उन्हें हमें अपनी समझ से हल करना है कि इनका क्षेत्रफल क्या है, अपनी समझ के आधार पर बताना है। तो जो पहले ही ये आकृति है, देखिए इसको ध्यान से, इसको मैंने ट्रेस करके और यहाँ बनाया, ये पेपर पे काट के ये बनाया है। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, देखिए इस पे, तो आप देखेंगे कि इसका ये वाला हिस्सा बाहर निकला हुआ है और इतना ही हिस्सा इसका यहाँ से कम है। इसी तरह से इसका ये हिस्सा बाहर है और इतना ही हिस्सा यहाँ पे कम है। तो अब मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। अगर हम इसको यहाँ से काट देते हैं अब देखिए आप, इसको मैंने काटा हुआ हिस्सा ये यहां पे जुड़ जाएगा और ये वाला हिस्सा यहां पे जुड़ गया। आप देख रहे हैं कि इस आकृति ने 4 वर्गों को घेरा है। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल हो गया 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो वर्ग हैं ये 1 सेंटीमीटर भुजा के हैं, तो इस तरह से इसका 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसी तरह की ये दो और आकृतियां हैं हमारे पास, इनका भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इस आकृति में ये जो भाग है इतना ही भाग यहां से गायब है। अगर हम इसको काट देते हैं यहां से और आगे जोड़ देंगे तो पूरी तरह से ये वर्गों को ढक लेगी। कट करें, इसने भी इस तरह से कितने वर्गों को ढका? 4 वर्गों को। तो इसका क्षेत्रफल भी हो गया 4 वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो वर्ग हैं ये 1 वर्ग सेंटीमीटर भुजा वाले हैं, सॉरी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं, ये वर्ग हैं। ठीक है, इसी तरह से इस आकृति का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए इसको अगर हम 4 भागों में इस तरह से बांटें, ये वाला हिस्सा यहां जुड़ेगा, ये वाला हिस्सा यहां जुड़ेगा,
तो इस तरह से ये कितने वर्गों को घेरेगा, ये पूरा हो जाएगा और ये वाला भाग भी पूरा हो जाएगा और ये वाला हिस्सा कट जाएगा। तो इस तरह से ये कितने वर्गों को घेर पाया, 8 वर्गों को। तो इस आकृति का क्षेत्रफल हुआ, ये वाला हिस्सा काट के हम यहां जोड़ेंगे और ये वाला हिस्सा काट के यहां जोड़ेंगे, तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। देखा, इसका क्षेत्रफल हुआ 8 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह की कुछ और आकृतियां हमारी बुक में दी गई हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप याद कर लेंगे, ये 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत का आधा भाग है। तो इस आयत का क्षेत्रफल हुआ 12 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका हो गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह आकृति बी, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसको अगर हम उठा के यहां पे ले आते तो ये 9 वर्गों को घेरेगी। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। सी का हम ज्ञात कर चुके हैं। डी देखिए, इसको यहां से काट के और इस हिस्से को यहां जोड़ दिया जाए, ये वाला हिस्सा खत्म और ये हो जाएगा पूरा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 वर्गों को घेरा है, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब आकृति ई का क्षेत्रफल आपको खुद ज्ञात करना है। इसी तरह से काट के आप ट्रेस करके खुद से भी बना सकते हैं और इसका क्षेत्रफल आप खुद ज्ञात करेंगे। और एफ का हम कर चुके हैं, सभी बच्चे सीख गए। अब हम करेंगे हमारी बुक का पेज नंबर 45। हमें कुछ 5 वर्गों की सहायता से कुछ आकृतियां बनानी है। 3 आकृतियां बनाई भी गई हैं और कुछ और हम खुद से बनाएंगे। तो इस तरह से ये बना दी मैंने एक आकृति। एक ये बना दी। इसी तरह की आकृतियां आपको बनानी है। और आपसे मेरा एक प्रश्न है कि इन आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है क्योंकि सभी 5 वर्गों से बनी है, तो सबका क्षेत्रफल समान होगा। अंतर किस में आएगा, इनके परिमाप में, परिमाप बदल जाएगा। देखिए, हम इन आकृतियों, परिमाप क्या होता है, ये बाहर की जो इसकी बाउंड्री है, ये यहाँ पे ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर, यहां से ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका परिमाप हुआ, परिमाप इसका घेरा, इसको परिमाप बोलते हैं। और जो ये अंदर का हिस्सा है, ये पूरा क्षेत्रफल होता है, तो इसका परिमाप हुआ 12 सेंटीमीटर। अब इस आकृति का निकालेंगे, ये हो गई इसकी 3 सेंटीमीटर भुजा, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये वाली 1, ये वाली 1 और ये वाली 1, जोड़ें इनको 3 2 5 2 7 8 9 10, तो इसका परिमाप हुआ 10 सेंटीमीटर। तो परिमाप में परिवर्तन आ रहा है पर क्षेत्रफल इनका समान होगा। इसी तरह की कुछ और आकृतियां आपको बनानी है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसी तरह के कई प्रश्न आपकी बुक में दिए गए हैं,
पेज नंबर 45 पे भी हैं, 46 पे भी, 47 पे भी। इन सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, ये आपका होमवर्क है और आपको ये होमवर्क करके अपने क्लास टीचर से चेक कराना है। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके बाय बच्चों, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।